व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। 2021 में एक मूवी आई है अमेजोन प्राइम पर, द मैप ऑफ टाइनी परफेक्ट थिंग्स। आज रिव्यू करने वाले हैं इसी मूवी को। इस मूवी का प्लॉट बेस्ड है टाइम लूप पर। अ गाय हु गेट्स ट्रैप्ड इन अ टाइम लूप एंड स्टार्ट्स रीलिविंग द सेम डे ओवर एंड ओवर अगेन। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक लड़का है, अगर मान लीजिए आप कि वो 8 जनवरी को अपने स्कूल जा रहा है, तो वापस आके अपना काम करके सो जा रहा है, तो नेक्स्ट डे जब फिर से उठ रहा है तो वो फिर से 8 जनवरी को ही उठ रहा है। अब वो एक ही दिन को बार बार जिए जा रहा है अलग अलग तरीकों से। अब एक दिन को उसने इतनी बार जी लिया तो उसने छोटी छोटी चीज़ों को मास्टर कर लिया है। जैसे कि अगर वो स्कूल जाते हुए कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो उसने उनको बचा लिया है, अगर पूल में एक लड़की गिरने वाली है तो उसको बचा लिया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसने मास्टर कर ली हैं और एक मैप बनाकर अपने पास रख लिया है, और हर रोज़ सुबह उठकर एक रूटीन सिलेक्ट करके वही चीज़ फॉलो कर रहा है। अंटिल द टाइम ही मीट्स अ गर्ल जो कि सेम टाइम लूप में फंसी हुई है उसके साथ। तो अब ये दो लोग तो फंसे हुए हैं टाइम लूप पर, लेकिन बाकी सारी दुनिया नॉर्मल चल रही है। तो अब आगे की कहानी में ये दिखाया गया कि ये दोनों कैसे इस टाइम लूप में फंसे हैं और कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आगे की जर्नी यही है। तो ये टॉपिक कुछ नया नहीं है, अगर आपको सुनकर नया लग रहा है, इसी टॉपिक पर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज पहले आ चुकी हैं, जैसे कि एज ऑफ टुमारो टॉम क्रूज की मूवी है, और एक सोर्स कोड जेक गिलनहॉल की है, बहुत अच्छी मूवीज हैं। लेकिन ये वाली मूवी में द मैप ऑफ टाइनी परफेक्ट थिंग्स, इसमें इतना कुछ खास दमदार मुझे लगा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था इस मूवी से काफ़ी कुछ, लेकिन पूरी मूवी में आई एम जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि अब कुछ इंटरेस्ट बनेगा। जब लड़की की एंट्री होती है लगता है कि तब इनकी कुछ लव स्टोरी डेवलप होगी, या फिर दोनों मिलकर कुछ मस्ती मजाक करेंगे टाइम लूप में फंसकर, लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। और पूरी मूवी एकदम फ्लैट है, आई वुड से बिलो एवरेज है। एक सेलिंग पॉइंट जो मुझे इस मूवी का लगा है, वो दोनों एक्टर्स काफ़ी सुंदर है और जोड़ी उनकी थोड़ी अच्छी लगी है, काइल एलन एंड कैथरीन न्यूटन। इस मूवी की रेटिंग्स तो ठीक ठाक हैं, जिसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है जो इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द मूवी इन सेकेंड हाफ इज अबाउट द आर्ट ऑफ गिविंग, सेल्फलेस होके कैसे दूसरों के बारे में सोचना, और एक थॉट पर यह पूरी मूवी बनाई गई है जो हमें लास्ट में दिखाया गया, जो कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। यही रीज़न है जो इस मूवी को रेटिंग्स अच्छी मिली हुई है। मुझे वो थॉट इतना अच्छा नहीं लगा था और मैं ये मूवी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको फिर भी देखनी है तो आप अपना दिमाग साइड में रख के बिल्कुल देखना। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो मैं आपको दूसरी एक मूवी सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है सोर्स कोड। वो बहुत अच्छी मूवी है, आप उसको देख सकते हो, आपको मजा आएगा। इन दोनों ही मूवी के ट्रेलर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। परफेक्ट थिंग्स के ट्रेलर से आप लोग इंप्रेस मत हो जाना, मूवी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन सोर्स कोड अच्छी है, वो आप जरूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।